ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आयोजित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा देने पहुंचे कुछ कैंडिडेट्स ने परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। कैंडिडेट्स का आरोप है कि उन्हें घंटों परीक्षा के लिए बिठाए रखा, जबकि उसके बाद उन्हें रिजेक्ट करके बाहर भेज दिया गया। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आयोजित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा देने पहुंचे कुछ कैंडिडेट्स ने अपनी परीक्षा पर सवाल उठाए। कैंडिडेट्स का आरोप है कि उन्हें घंटों परीक्षा के लिए बिठाई रखा, जबकि उसके बाद उन्हें रिजेक्ट करके बाहर भेज दिया। परीक्षा का आयोजन HLL कंपनी द्वारा किया गया, जिसके लिए कंपनी द्वारा 1800 कैंडिडेट को कॉल लेटर जारी किए गए थे। परीक्षा का आयोजन धर्मशाला के अलावा मंडी और शिमला में भी किया गया। कंपनी प्रतिनिधि के अनुसार धर्मशाला में आयोजित परीक्षा में 450 कैंडिडेट परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा के लिए पहुंचने का समय 9:30 बजे था, जबकि परीक्षा 1:30 बजे शुरू करवाई गई। यही नहीं, जिन कैंडिडेट ने CHO पद हेतु आवेदन किया था उनके डॉक्यूमेंट्स को भी मौके पर ही वेरीफाई किया गया, जबकि ये काम पहले किया जाना चाहिए था। कुछ कैंडिडेट ने आरोप लगाया कि उन्हें पहले एग्जाम के लिए बिठा लिया गया, जबकि 2 से 3 घंटे बिठाने के बाद उन्हें ये कहकर बाहर भेज दिया गया कि आपके आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं। ऐसे में दूर दूर से परीक्षा देने आए कैंडिडेट को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। HLL लाइफ केयर लिमिटेड के HR सीनियर मैनेजर देवा ने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा देने के लिए धर्मशाला में 800 कैंडिडेट आए थे। पूरे प्रदेश में 1800 कैंडिडेट को कॉल लेटर एग्जाम के लिए जारी किए गए थे, जिनमें से लगभग 450 कैंडिडेट आए थे। इस परीक्षा के लिए NHM की ओर से योग्यता BSc नर्सिंग रखी गई थी और हाईकोर्ट के निर्देशानुसार BAMS को भी अनुमति दी गई थी। सभी को कॉल लेटर जारी किए गए थे। कौन कौन कॉल लेटर के साथ आया था हमारी टीम ने वेरीफाई किया है। कैंडिडेट को रिपोर्ट करने का समय 9:30 बजे का दिया गया था। हमने किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया और एग्जाम 1 बजे के लगभग शुरू किया गया। हिमाचल इंटीग्रेटेड डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर बानू पठानी ने कहा कि CHO का एग्जाम हुआ, जिसको लेकर कैंडिडेट ने 9:30 बजे परीक्षा भवन में प्रवेश कर लिया था, जबकि एग्जाम 1:30 बजे शुरू हुआ। कुछ कैंडिडेट को एग्जाम की अनुमति नहीं दी गई। कुछ कैंडिडेट को मेल नहीं आई थी, जिसकी जस्टिफिकेशन कंपनी के प्रतिनिधि नहीं दे पाए। हमारी सरकार से मांग है कि इसकी जांच की जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए। आज एग्जाम हुआ CHO का, कंट्री हेल्थ ऑफिसर का, 9:30 बजे कंडक्ट किया गया, तो 1:30 पे 9:30 एंटर कर लिया, 1:30 पे इनको एग्जाम कल अलाउ किया। उसमें से कुछ बच्चों को पेपर देने की इन्हें परमिशन दी, तो जिन्होंने फॉर्म भरे हुए थे उनको मेल नहीं आई थी, और मेल नहीं आई थी कोई जस्टिफिकेशन मिली नहीं, और जस्टिफिकेशन ना मिलने के कारण इन्होंने कोई आंसर ढंग से हमें दिया नहीं। हम चाहते हैं सरकार से ये कि इनकी अच्छी तरह से इनकी जांच होनी चाहिए और इसका हमें आंसर मिलना चाहिए। तो लेकिन इशू को इन्होंने बताया भी नहीं था ना, जब हमने इनका कोर्ट का, जब कोर्ट ने परमिशन दी थी कि BMS डॉक्टर की अलाउ कर सकते हैं कि CHO का एग्ज़ाम दे लें, बट उसके बाद ऐसा हुआ कि जब इनकी मेल आई, मेल हमें 10 दिन पहले आई थी, और कईयों को मेल नहीं आई, उसका आंसर ही कभी दे नहीं रहे थे कि आप ये करें, आपको आपका फॉर्म रिसीव नहीं हुआ। जब फॉर्म में आ रहा कि आप योर फॉर्म इज कम्प्लीटेड सक्सेसफुल रिलीज्ड, जब इसका मीनिंग आता था, इट मीन्स आपका फॉर्म चला जाता है। वो चीज़ के बारे में हम इनसे जाँच की मांग चाहते हैं। हमारी मांग है कि हिमाचल सरकार इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाए, और जो इसमें कैंडिडेट को असुविधा हुई है उसके लिए आंसर चाहिए हमें।